नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी है। रोजाना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि निगम पार्षद अपने इलाके में साफ सफाई, दवा छिड़कवाने की जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं या नहीं। क्या गली मोहल्लों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, इसे जानने के लिए देखें वार्ड 22 एंड की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये सिविल लाइन जोन के पूर्व चेयरमैन का क्षेत्र है, जहां लोगों ने बताया कि डेंगू का खतरा पूरे इलाके पर बना हुआ है, परंतु साफ सफाई पर इलाके के निगम पार्षद सुरेंद्र खरब का कोई ख्याल नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ एक मौत हुई है डेंगू से। 26 साल की उम्र थी। नहीं, इलाके में साफ सफाई भंगी भी, कई कई दिन तक कूड़ा पड़ा रहने में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते ध्यान। कोई नहीं आता है। लोगों ने बताया कि इलाके में साफ सफाई नहीं है, जिस कारणवश इलाके में डेंगू का प्रकोप फैलता जा रहा है और इससे एक नौजवान की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही कई घरों में लोग बीमार भी पड़े हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस शिकायत का निगम पार्षद पर कोई असर पड़ता है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही दिल्ली की बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हेडलाइंस लाइव न्यूज के साथ।